हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काइकिंग एंड के पिजन्स। तो गाइस, मैं अभी आपको जो है अपडेट देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वेलकम करते हैं आपका स्काइकिंग एंड के पिजन्स में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइस, ये वीडियो पूरा वॉच करिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जैसे कि मैंने कल एक लाइव भी किया था और एक वीडियो मैं थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूँ, वो अपलोड हो जाएगी, वो वॉच करिएगा। कल शाम की वीडियो है वो, और रात के टाइम पे बेसिकली, रात क्या शाम के टाइम पे कबूतर उड़ गए और रात को कोई कबूतर नहीं बैठा। मतलब छः कबूतर जो थे कल रात रह गए। अब उनमें से सिर्फ एक ही कबूतर जो है वो वापस आया है, बाकी कोई भी कबूतर जो है वापस नहीं आया। और हुआ क्या, जो बाकी छोड़े हुए थे बाहर, उनमें से भी काफ़ी सारे कबूतर जो हैं वो उड़ गए नीचे से। बेसिकली चील पड़ी है, कबूतर छोड़े हुए थे बाहर, और जैसे चील पड़ी है तो कबूतर सारे के सारे ऊपर को निकल गए हैं। और अब मुझे भी टाइम नहीं मिला, मैंने इधर वाले जो कबूतर थे, जो नए कबूतर बीच में ऐड किए थे, उनको मैंने बांधना था, उनको बांधने का भी टाइम नहीं मिला हुआ। तो अभी सिर्फ एक ही पट्ठा वापस आया है, जो कल उड़े हुए थे कबूतर उनमें से, तो बाकी कोई नहीं आया। दो आए हुए थे, लेकिन दो में से जो है एक ही बैठा है अभी। जो ये नीचे से नहीं ना उड़ते, तो उसने काफ़ी देर पहले बैठ जाना था। मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप वॉच करिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो अटैच करूँगा, फिर बाकी की अपडेट जो भी होगी वो मैं आपको शाम को दूँगा कि कितने आए कितने नहीं आए। तो ये भाई कबूतरबाजी ऐसे ही होती है, कबूतर आते हैं जाते हैं, जब हमारे जाते हैं तो कोई देता नहीं है, सीधी सी बात है। जब किसी का कोई आएगा तो फिर हम भी नहीं देंगे, ना लो ना दो, सिंपल रूल है। इस सीज़न में भी काफ़ी सारे कबूतर जो हैं रात रहे हैं और वापस नहीं आए हैं। कुछ एक तो हैं जो सामने सामने जो नज़र आए और बाजबैरिक ने पकड़ लिए, या जो भी है कह लीजिए आप। तो बाकी कबूतर कहाँ गए जो रात रहते हैं, तो आगे पीछे बैठते हैं, सारे के सारे थोड़ी बैरी ले जाती है, सारे के सारे थोड़ी बाज ले जाते हैं। तो ये खाली वो हैं ड्रामेबाजियाँ होती हैं। कबूतर जो है बेसिकली हर कोई जो है आसरा करने के लिए बैठ जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं ऊंची जगह पे। और शिकारी लोग जो होते हैं वो हाइट पे जाके, ऊंची जगहों पर जाके पकड़ के ले जाते हैं कबूतर। तो फिलहाल एक ही कबूतर आया है, खुडे खाली हो चुके हैं। अभी बहुत दूर है दिल्ली, लेकिन स्टिल खुडे जो हैं वो खाली हो चुके हैं। मुझे लग रहा है यहाँ वाले जो कबूतर हैं जो मैंने बांध के रखे हैं थोड़े बहुत, उनको भी वहाँ पर वापस भेजना पड़ेगा। और जो पट्ठे हैं यहाँ पे मैंने लाए हुए, जिनको मैंने काटा था, मुझे लग रहा है उनको दोबारा से उनके पर खींच देने पड़ेंगे, ताकि वहाँ जो कमी हो रही है वो पूरी हो सके। तो खैर, चार कबूतर अभी तो जो नीचे से उड़े हैं वो तो दिख रहे हैं सामने, बाकी जो कल वाले कबूतर हैं उनमें से कोई नज़र नहीं आ रहा। सुबह सुबह की वीडियो जो मैंने बनाई हुई है वो वॉच करिए, और आपको पूरी अपडेट दूंगा मैं शाम को कि कितने कबूतर आज मेरे ज़ाया हुए टोटल, कल के जो गए हुए हैं उनमें से, और प्लस आज जो उड़े हैं उनमें से कितने उड़े हैं कोई पता नहीं, कितने नहीं उड़े, सारे के सारे एकदम से, जैसे वो बोलते हैं पल्ला बच जाना है, वो बच गया अपने आप ही, चील आई नीचे नीचे से पल्ला मार गई। तो फिलहाल मैं वीडियो ये वाली इतनी ही रखता हूँ, इसके साथ क्लिप वो वाली अटैच करता हूँ जो सुबह मैंने बनाई है। तो आप प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच करिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। गाइस, कल रात को जो मेरे कबूतर रह गए थे उनमें से ये पहला कबूतर है जो वापसी कर रहा है, और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा छत पे आया हुआ है। कबूतर शबूतर जो हैं ये खोले हुए हैं। भाई साहब ने कल रात को छः कबूतर जो थे रह गए थे, और उन छः में से ये पहला, ये कबूतर देखें ये वापसी कर रहा है। तो अभी खैर कोई आया नहीं, और इसके अलावा तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है सारी अपडेट जो है आपसे शेयर करूंगा कि कितने आए कितने नहीं। और सुबह के 6:15 के करीब का टाइम है ये, और ये बिल्कुल छत पे आया हुआ है, देख सकते हैं आप। भाई साहब भी लगे हुए हैं कबूतर ऊपर बिठाने के लिए। तो देखते देखते ही कबूतर जो थे कल ऐसे ही आसमान में बन के, और चार कबूतर तो ऊपर निकल गए, दो थोड़ी इसी हाइट पे कर रहे थे, लेकिन वो जो दो थे वो मतलब उनमें से कोई भी नहीं नज़र आया, ये ऊपर वालों में से है जो ऊपर उड़ रहे थे। तो ये देखें, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, आपको नज़र आएगा, ये देखिए ये कर रहा है। मैं अभी जाऊँगा छत पे, तो फिर अपडेट शेयर करूँगा आपसे। तो बाकी
फिलहाल जो ये कबूतर हैं ये तो चलो आ गया, एक दो एक आ गया, बाकी पांच का कोई पता नहीं है। अभी पांच को ही नज़र आया, आया भी नहीं उनमें से पांच में से। मैं अभी जस्ट उठाऊँ और उठ के ही मैं बाहर आया हूँ, और बाहर आके देखा मैंने तो अभी मुझे आवाज़ आई केज की ज़ोर से ठक करके बज है। तो मैंने सोचा खुल गया है दरवाज़ा शायद, तभी आया होगा कोई तो खुला है। कबूतर बनाना मतलब आजकल आपको पता है मुश्किल है, पर बनाओ कबूतर जो है बस समझ ले यार कि बना हुआ कबूतर जिसको आपने बनाया है वो कबूतर आपका ज़ाया हो जाए तो फिर मुश्किल होती है, चाहे आपके पास कितने भी अच्छे कबूतर क्यों ना हो। तो चले भाई साहब आगे हुए हैं ऊपर, वो देखें ज़रा कबूतर। उनको मैंने बोला था थोड़े से कबूतर बाहर निकाल दे, तो कल शाम को भी इन्होंने थोड़ा जल्दबाजी की इस वजह से ये सारा हुआ। तो खैर कोई नहीं, आ जाएगा यार कबूतर, कबूतरों को क्या लगा लगा रहता है, शौक होना चाहिए बस। मैं थोड़ी देर बाद वीडियो कंटिन्यू करूँगा और शेयर करूँगा सारा कुछ। कबूतर खोले हुए थे जो बाहर छोड़े हुए थे, पता नहीं क्या हुआ इनको, तो वो कबूतर सारे जो हैं उड़ गए हैं। तो जो कबूतर ढल रहा था वो फिर ऊंचा हो गया, और कल वाले कबूतरों का ये नीचे से कबूतर और उड़ गए हैं ऊपर। ये चेक करें, ये जा रहे हैं जी, चार पाँच छः छः सात कबूतर, छः को सात कबूतर और उड़ गए हैं ऊपर। ठीक है, उड़ाए नहीं, ये खुद ही उड़ गए हैं, बाहर खोल के छोड़े थे तो ये देख लेंगे जी। ये हाल है, इधर बंदा कबूतर क्या उड़ाएगा तो क्या करेगा। जो कबूतर आया हुआ था बैठ रहा था वो, तो बस ये जी अपने आप ही हिले हैं। तो ये क्या कहते हैं उड़ गए हैं बस, ये खुद ही थापे छापे मारे हैं। तो फिर थोड़ा ये है कि कबूतर ढलने की कोशिश करेंगे, ये दो तीन चार कबूतर तो वो ऊपर निकल गए हैं जो अभी उड़े हैं नीचे से, वो देखें वो देखें। दो आ गए थे, दो मतलब दो ऊपर नज़र आ रहे थे, उनमें से एक ये वाला है, ये देख रहे हैं ये वाला है, और एक और था, और नीचे जैसे जैसे ये उड़े हैं तो वो ऊंचा हो गया, बैठने पे आ गया हुआ था। अब समझ नहीं आती क्या करें, इधर जगह थोड़ी बेसिकली कम है ना ऊपर नीचे फिरने के लिए कबूतरों की, तो जिस वजह से सारा पंगा होता ही। चलें जी देखते हैं अब क्या, कितने आएंगे कितने जाएंगे कितने नहीं। मैं अभी जस्ट ऊपर ही आया हूँ तो बस नीचे से वो खुद ही उड़ गए सारे कबूतर। ये देखें ये फिर रहे हैं सामने, नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देखें, ये वो देखें, वो ऊपर भी देखें, कुछ आगे को निकल गए हैं। हवा भी है, हवा भी देख सकते हैं आप, ये झंडा किस तरह से लहरा रहा है, ये अपने आप ही लगे हुए हैं उड़ने। सूरज अभी ये देखें निकल रहा है, और 6:30 7 का टाइम है ये, तो ये फिर ऊंचे हो गए हैं जी, स्यापा ही बन गया ये तो सारा। तीन चार और दो इधर को गए हैं आगे को, ये सारे नए नीचे उड़े हैं, इसमें से दो थे जो आए हुए थे बाकी सारे नए थे। चलें जी मैं थोड़ी देर बाद फिर से कंटिन्यू करूँगा। रात रहे थे उनमें से ये एक पट्ठा जो है ये बैठ रहा है, बाकी